सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो जो आज की जो वीडियो है वो हमारी वैलोरेंट गेम के ऊपर होने वाली है। जो आपको पता है रायट की तरफ से एक वैलोरेंट गेम है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले वैलोरेंट के अंदर जो होम स्क्रीन पर बैकग्राउंड देखते हो, जो नॉर्मल से आपको बैकग्राउंड जो ऐसा दिखता है कुछ, उसको हम चेंज कर देंगे कुछ ऐसा अपनी एक वीडियो जो आप खुद अपनी वीडियो डाल सकते हो। मतलब आपने एक थंबनेल या आप एक यूट्यूबर हो तो अपना कोई टैग लाइन या अपना इंट्रो वगैरह आप उसमें डाल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा देखने में। सो गाइस, आप एक भी स्टेप को मिस ना करें वरना आपका ही नहीं होगा और गेम भी आपका क्रैश हो सकता है और सारी फाइल्स आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो सारे स्टेप कोई भी स्टेप मिस ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। सो गाइस, फर्स्ट आ गए अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर, तो हम खोल लेते हैं फटाफट क्रोम और हम जाते हैं वैलोरेंट, क्योंकि हम बनाने अपने एक और नई आईडी। क्योंकि मैं अपनी मेन आईडी पर से टेस्ट नहीं करना चाहता, बाय चांस अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया, ऐसे चांसेस कम है क्योंकि मैं इसे अब मेरा दोस्त अपने मेन आईडी पर यूज़ कर रहा है, उसका नहीं हुआ बट मेरा हो सकता है, तो मैं अभी रिस्क नहीं ले रहा, अपना नया अकाउंट मेक करूँगा। तो अगर यहाँ पर मेक अकाउंट पर अगर आप क्लिक करोगे और आपके में वैलोरेंट इंस्टॉल है, तो आपका अपने आप पर फटाफट लॉगिन हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको खोलना है एक नई टैब। तो आपको खोलिए सिंपली एक नई टैब, मतलब एक आइकोनाइज टैब, क्योंकि आपका अपने आप लॉगिन ले रहा है आपके गेम से। तो उसे रोकने के लिए आपको सिंपल वैलोरेंट को आइकोनाइज मोड में खोलना है। तो फटाफट खोल लेता हूँ। तो गाइस, आइकोनाइज मोड खोलने के बाद आपको यहाँ पे डाल लेना है वैलोरेंट। जैसे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको ये अपने आप लॉगिन नहीं लेगा, आप चाहो तो अपना नया अकाउंट मेक कर सकते हो। तो प्ले फ्री पे क्लिक करने के बाद आपको करना है मेक वन, तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो सिंपल आपको पता होगा ऐसे आपको अपने यहाँ पे मेल डालनी है, फिर आगे आपको जो भी आपको सिंपल स्टेप्स आपके मेन अकाउंट पे आपने जैसे क्रिएट करा होगा, वैसे इसमें यही वाले वही सेम स्टेप्स आपको करके ये वाले अकाउंट को क्रिएट कर देना है। आपको जीमेल आईडी कोई भी डाल सकते हो, कोई आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगी, बट मैंने अपनी एक सही जीमेल डाली है जो वर्किंग मेरे पास है, और बाकी सब मैं अपनी डेट वगैरह डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने तो अभी रैंडम डेट डाली है, और यूज़र नेम आपको याद रखना है क्योंकि यूज़र नेम से ही आपका गेम लॉगिन होगा। तो मैं कुछ भी डालता हूँ अभी के हिसाब से मुझे, कोई क्योंकि ऐसे चाहिए नहीं कि ऐसा सच मेरा नाम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरा यूज़र नेम कोई अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी डालने के बाद फटाफट ट्राई कर लेते हैं। सो कैसे अपना पासवर्ड डालना है आपको, आगे राइट पासवर्ड आप डालने के बाद आपको आपका यूज़र नेम डाल देना है। मेरे यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं कोई और यूज़र नेम सेलेक्ट करके उसे फटाफट डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। सो कैसे अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको बोलेगा डाउनलोड करने के लिए, पर आपके पास अगर पहले से गेम डाउनलोडेड है तो आप कंप्लीट से क्रॉस करो, अपना गेम ओपन कर लो। मेरे पे पहले से डाउनलोड है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो गेम को दोबारा। तो फटाफट मैं अपना खोल लेता हूँ यहाँ पे वैलोरेंट। सो गाइस, सेकंड स्टेप जो है वो आपको अपना खोलना है अपने दिस पीसी, और आपको अपनी कोई भी एक फाइल लोकेट करनी है, जैसे एक वीडियो फाइल जो MP4 में होनी चाहिए। जैसे मैंने एक फाइल अपनी क्रिएट करी है, मेरे कोई थंबनेल वगैरह नहीं है, ये बस मैंने, ये मेरा कोई इंट्रो वगैरह नहीं है, मैंने ऐसी जनरल फाइल उठाई है पिक्चर की, जो आपने सुना होगा थॉर रैग्नारॉक की, आप चाहो कोई भी उठा सकते हो। या आपको ये वाली चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और आप उसे डाल लो और उसे 1080p पर कन्वर्ट कर लो, मतलब 1080p पर रिकॉर्ड करो या डाउनलोड कर लो कहीं से, आप कोई भी सैंपल वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट डाल दूंगा नीचे सैंपल डाउनलोड करने के लिए। जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो आप कितनी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर फटाफट मैं लगा लेता हूँ लॉगिन, फिर आपको यहाँ पर अपने डाल देना जो आपका नॉर्मल सा वो है आपका, आपको अपना यूज़र नेम कुछ भी डाल दो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है अभी। फिर आपको कर लेना गेम को मिनिमाइज, क्योंकि अभी आप देख सकते हो आपको होम स्क्रीन बिल्कुल सेम आ रही है जो नॉर्मल आपकी वैलोरेंट में अभी अपडेट के बाद आनी शुरू हुई है। तो आप कर लो अपने गेम को मिनिमाइज, और गेम मिनिमाइज करने के बाद आपको जाना है जो आपकी फाइल जो आपने लोकेट करी थी, मतलब आपने क्रिएट करी थी, जो भी आप कह सकते हो आपका यूट्यूब की फाइल भी हो सकती है, आपकी वीडियो फाइल भी हो सकती है, उसे कर लेना कॉपी। साइज आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, आप 1 मिनट तक के रख सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाली है, ये लूप पे चलेगी वैसे भी। तो आपको फिर जो मैं अपनी लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको वाले लोकेशन पे चले जाना, और यहाँ पे आपको 3 फाइल्स मिलेंगी, इसमें आपको होगा होम स्क्रीन, तो आपको इस वाली को कर लेना है रीनेम करके 1 डाल देना है इसके आगे। आप चाहो उसे कट भी कर सकते हो, मैं डाल रहा हूँ रीनेम करके इसे आगे 1, जिससे गेम को लगेगा कि ये फाइल कोई दूसरी है और ये वो मेन फाइल नहीं सोचेगा। फिर आपको डाल देना है ये होम स्क्रीन, जो आपको सेम टेक्स्ट में डालना है, कोई भी चेंज नहीं करना, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा दूंगा वीडियो में। तो कैसे करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी प्रॉपर्टीज़ में आकर आप देख सकते हो आपकी फाइल का जो फॉर्मेट है MP4 ही होना चाहिए, वरना गेम हो जाएगा क्रैश। तो डालते हैं वैलोरेंट के अंदर, आप देख सकते हो अभी सेम ही आ रहा है, बट आप जैसे प्ले पे करके होम पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं गाइस इतना बढ़िया लग रहा है, आपको बता रहा हूँ। आपको थॉर रैग्नारॉक आपने देखी होगी तो आपको पता होगा ये सीन कितना ज़्यादा उसका अच्छा है। तो यही सीन आपका लूप पे चलेगा, मतलब मैंने ये सीन डाला, आप कोई भी सीन डाल सकते हो, और मैं इस वाली को भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप सेटिंग्स हाई करोगे तो आपके क्वालिटी पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, पर ये बिना क्वालिटी हाई करे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये हैं, आपको एक थोड़ा सा डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, वरना आपके थोड़े से FPS ड्रॉप आएंगे, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सी वीडियो की प्रोसेसिंग ज़्यादा लगेगी। सो गाइस, मेक श्योर कि आप इससे पहले अपने कोई फेक अकाउंट पे यूज़ करें, तभी कुछ दिन यूज़ करने के बाद मेन अकाउंट पे डालें।
तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।